हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालूज लव बुक। आज मैं आपके लिए लौकी यानी कि दूधे के हलवे की बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमने लिए है 800 ग्राम के करीब लौकी। इसको मैंने ऑलरेडी धोकर रखा है। अब इसको हमें पील करना होगा यानी कि छीलना होगा। तो पीलर की हेल्प से आप इसको अच्छे से छील लें, और छीलने के बाद में आपको लेना है मोटा वाला कद्दूकस और उससे आपको इसको ग्रेट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लौकी को अच्छे से छीलने के बाद में इसको ग्रेट कर लिया। मोटे वाले कद्दूकस की साइड से मैंने इसको ग्रेट किया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मोटे मोटे इसके इस तरह से धागे आपको मिलेंगे। और अगर आपकी लौकी में कुछ बीज हो तो आप उसको बिल्कुल अलग कर दें। तो लौकी के अलावा हमें मावा भी चाहिए होगा। अगर आप बहुत ही टेस्टी हलवा बनाना चाहते हैं लौकी का, तो उसके लिए मावा ज़रूर चाहिए होगा। मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम के करीब लिया है मावा। अब आइए फ्रेंड्स, लौकी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई ले लें, उसमें आपको डालना है 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देना है और गर्म होने देना है। और हमें इसमें डालना है 2 हरी इलायची। हरी इलायची को यहाँ पर हमने तोड़कर डाला है ताकि इसका अरोमा अच्छे से घी में आ जाए। तो हमने एक तरीके से हरी इलायची का इसमें तड़का लगाया है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे लौकी का हलवा, तो आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा और बहुत ही अच्छी महक आएगी हरी इलायची की। तो हरी इलायची का फ्लेवर पूरे हलवे में बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर घिसी हुई लौकी भी हमने इसमें डाल दी है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से घी में चलाएंगे। ऐसा करने से हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही सौंधा सौंधा हलवा बनकर तैयार होगा। तो 2 से 3 मिनट चलाने के बाद में आपको इसमें ऐड करना है दूध। यहाँ पर मैं 1.5 कप के करीब ऐड कर रही हूँ फुल फैट मिल्क। तो दूध डाल दिया है मैंने, तो दूध को भी अच्छे से हम मिला लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है और अब हमें लौकी को पकाना है। फ्रेंड्स, हमें लौकी को दूध में अच्छे से पकने देना है, उबलने देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दूध में इस तरह से उबाल आने दें। लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। और इस तरह से जब उबाल आने लगेगा, इसके बाद में हम फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे, थोड़ा सा धीमा कर देंगे, और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट पकाएंगे। लगभग 10 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं लौकी पक चुकी है और इसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस पॉइंट पर आप इसमें चीनी डाल दें। मैंने यहाँ पर 3/4 कप के करीब शुगर ऐड की है, चीनी ऐड की है। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं, आप आधा कप भी डाल सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप 1 कप तक चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम शुगर ऐड की है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो शुगर को अच्छे से मिला लेंगे, और अब जो कसर बाकी अगर रह गई होगी लौकी में, तो वो चीनी के पानी में पक जाएगी। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद में काफ़ी पानी छोड़ती है, तो इस पानी में भी लौकी थोड़ी सी अभी पकेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इसमें 1 चुटकी के करीब ऐड करूँगी ग्रीन फूड कलर। ऑप्शनल है डालना, अगर आप डालेंगे तो आपके हलवे का कलर बहुत सुंदर लगेगा। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो रंग को भी अच्छे से कलर को मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें कलर का यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना ये देखने में हमारा हलवा बहुत आर्टिफिशियल लगेगा। बहुत हल्का सा कलर मैंने यूज़ किया है, आपने देखा। और बस कलर डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसी तरह से अब हम इसको पकने देंगे। तो आँच को आप चाहें तो हल्का सा बढ़ा सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, और मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकने दीजिए। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसका कलर और भी ज़्यादा एनहेंस होता जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जो हमारी चीनी है उसका पानी सूखता जा रहा है। तो अभी हल्की सी नमी बाकी है, तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें खोया ऐड कर देती हूँ, मावा ऐड कर दिया है। मावा मेल्ट होता जाएगा और अच्छे से हलवे में मिक्स होता जाएगा। तो देखिए, खोए को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम देसी घी ऐड करेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब आप इसमें देसी घी डाल दें। देसी घी डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, शाइन बहुत अच्छी आएगी, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आता है। तो लास्ट में आप इसमें देसी घी ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर भी हम ज़रूर ऐड करेंगे ऊपर से, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें। और इसके अलावा थोड़े से कटे हुए पिस्ते, बादाम, किशमिश, चिरौंजी, सभी कुछ मैंने लिया है। तो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के आप कोई भी डाल सकते हैं। किशमिश अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे लौकी के हलवे में किशमिश भी बहुत अच्छी लगती है। तो लगभग 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नहीं डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ना भी डालें तब भी चलेगा। तो देखिए, पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है हलवे का, आप देख सकते हैं। हमारा हलवा यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई हलवा पसंद है तो आप पानी थोड़ा और जला लें, इसको और ड्राई कर लें। तो लौकी का हलवा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको 2 मिनट इसी तरह से और चला लें, और फटाफट से आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर करके यानी कि ठंडा करके फ्रिज में रख दें, और आराम से आप इसको 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं।
तो हलवा हमारा तैयार है। लास्ट में हम इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा मावा और यूज़ करेंगे, मैंने बचा लिया था मावा। और देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं और ले रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। मैंने यहाँ पर 4 काजू लिए हैं, 4 बादाम लिए हैं और उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा घी में भून लेंगे और इसको भी डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हम बनाएं अगर देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी अच्छी लगती है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि खाने में अच्छी लगती है और देखने में अगर नहीं अच्छी लगती है तब भी मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ा सा उसको देखने में भी टेम्पटिंग बनाना है। देखिए गाजर का हलवा हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा है, टेस्ट भी इसका बहुत कमाल है। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आप एक बार बनाकर इसको मेरे तरीके से ज़रूर देखें और कोई भी फेस्टिवल हो आपके घर में आप इसको ज़रूर बनाएं। देखिए स्टोर करने का तरीका भी मैं दिखा देती हूँ। इसको मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लिया, ठंडा हो गया। इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है 2 बूंद केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हमारे गाजर के हलवे की। बाजार का अगर आपने खाया होगा, हलवाई का खाया होगा, तो वो केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड करते हैं। आप भी एक बार डालकर ज़रूर देखें और ठंडा करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही कमाल है, बहुत ही डिलीशियस बना है। फ्रेंड्स यकीन मानिए हलवाई भी फेल हो जाएंगे, इतना टेस्टी है ये। बनाकर देखिए, बहुत आसान रेसिपी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फीडबैक ज़रूर दें बनाने के बाद, मैं इंतज़ार करूँगी। बाय, लव यू।